नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुख समृद्धि के लिए आग का पौधा घर में किस स्थान पर और किस दिशा में लगाना शुभ माना जाता है और इससे क्या क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर एक पौधे का अपना अलग अलग महत्व है। ऐसा माना जाता है कि कुछ पौधों में साक्षात ईश्वर का वास होता है। ऐसे पौधों में सबसे प्रमुख है तुलसी, अशोक, बेल, सम्मी, पीपल और बरगद। इन सभी पौधों की पूजा की जाती है और उनमें भगवान का वास मानकर पीपल और बरगद के अलावा इन्हें घर में लगाना ज्योतिष और वास्तु दोनों के लिहाज से बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा एक और पौधा है, वो है आग का पौधा। यह पौधा वास्तव में अन्य पौधों की तरह ही पूजा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस पौधे से भगवान शिव की पूजा करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। इस पौधे को मदार का पौधा भी कहा जाता है और पूजा पाठ से लेकर तंत्र मंत्र तक ये पौधा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आग का पौधा दो तरह का होता है, एक सफ़ेद फूल वाला और एक हल्के नीले फूलों वाला। हम यहाँ सफ़ेद फूलों वाले पौधे की बात कर रहे हैं, जिसको श्वेतार्क भी कहा जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों कि ज्योतिष और वास्तु के अनुसार इस पौधे को घर में लगाने के क्या क्या लाभ होते हैं और आपको इस पौधे को किस तरह लगाना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसा होता है आग का पौधा। दोस्तों, सफ़ेद आग के पौधे की पत्ती बरगद के पत्तों की तरह ही मोटी होती है। पत्तियां जब पक जाती है और झड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं तो ये पीली पड़ जाती हैं। इसके फूल छोटे होते हैं और गुच्छों में दिखाई देते हैं। फूलों पर रंगीन रेखाएं हो सकती हैं, लेकिन मूल रूप से ये सफ़ेद रंग के होते हैं। इसका फल आकार में आम के फल के समान होता है और सफ़ेद कपास की जैसी संरचनाओं से भरे होते हैं। आग या मदार का पेड़ भगवान शिव को मुख्य रूप से अति प्रिय है। इस पौधे में भगवान गणेश जी का वास कहा जाता है। यह पौधा श्वेत और श्याम दोनों तरह का होता है। श्याम व श्वेत मदार का तांत्रिक रूप में विशेष प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ों में श्वेतार्क गणपति का वास होता है और इसे विधि पूर्वक पूजा करके घर में रखा जाए तो यह विशेष रूप से हितकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में लाकर ही इसकी पूजा प्रारंभ करें। पूजा करते समय गणपति मंत्र का उच्चारण अवश्य करें, इससे भगवान गणपति की कृपा भी प्राप्त होती है। आग के पौधे की उपस्थिति को लेकर ऐसी मान्यता है कि यह पौधा घर के सामने लगाना चाहिए। घर के आसपास के पौधों की, अगर घर के आसपास आपके पौधों की उपस्थिति है तो यह सुनिश्चित करती है कि घर के निवासियों के खिलाफ किए गए किसी भी बुरे प्रभाव या किसी भी काले जादू का प्रभाव यहाँ नहीं होगा। यानी कि जहाँ सफ़ेद आग का पौधा होता है वहाँ आसपास रहने वाले व्यक्ति जादू टोने और काले जादू से बचे रहते हैं। मुख्य रूप से यह पौधा तंत्र विद्या के इस्तेमाल में आता है, इसलिए ये किसी भी टोने टोटके को ख़त्म करने में मदद करता है। इस पौधे की जड़ से निकली गणपति की मूर्ति की नियमित रूप से पूजा की जाती है तो आपको त्रिसुख यानी कि जीवन के सभी सुख प्राप्त होंगे। और ऐसा कहा जाता है कि इस पौधे का फूल पूजा में चढ़ाने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मुख्य रूप से शिवलिंग पर आग के पत्ते और फूल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्र बताते हैं कि पवित्र आग का पौधा अपने मुख्य द्वार पर या उसके सामने लगाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इसमें सफ़ेद फूल होते हैं जो भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। ये पौधा हमेशा नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ताकतों से बचाता है। इस पौधे से निकलने वाली ऑक्सीजन पर्यावरण को भी शुद्ध करती है। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार
कहाँ और किस दिशा में आग का पौधा लगाना चाहिए। आग का पौधा घर के अग्निकोण यानी कि दक्षिण पूर्व के बीच दक्षिण या उत्तर दिशा में लगाया जा सकता है। घर में सफ़ेद आग का पौधा मुख्य गेट के पास या सामने लगाना चाहिए या फिर घर के बाहर गेट के पास रख सकते हैं। आग का पौधा ऐसे लगाएं कि जब भी आप घर से निकलें तो यह पौधा आपके दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए। आग का पौधा किसी शुभ दिन जैसे पूर्णिमा, एकादशी, शिवरात्रि या सोमवार के दिन लगाना चाहिए। इस प्रकार आग का पौधा घर में लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही इसे घर में लगाने से लोगों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।